ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है आईपी वर्जन फोर एड्रेसिंग सबमिटिंग ठीक है तो आईपी वर्जन फोर होता क्या है वैसे ठीक है तो आईपी वर्जन फोर जो है वो जो है ये हमारा आईपी आई पी एड्रेस होता है हमारा आई पी एड्रेस इज अ थर्टी टू बिट्स होता है राइट थर्टी टू बिट्स होता है और ये कितने में डिवाइड होता है डिवाइडेड इंटू फोर ऑक्टेट डिवाइडेड इंटू फोर ऑक्टेट ओके ये होता है जैसे कि फोर ऑक्टेट कैसे होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर ठीक है आईपी वर्जन दो वर्जन होते हैं वर्जन फोर और वर्जन सिक्स तो वर्जन सिक्स में आगे बताऊंगा अभी वर्जन फोर पे हम लोग करते हैं काम ठीक है तो आईपी वर्जन फोर इज अटी टू बिट्स डिवाइडेड इनटू टू ऑक्टेट्स ओके तो इसमें जैसे क्या होता है कि फोर ऑक्टेट्स कैसे, होते हैं ठीक जैसे कि मान लो ये है आपका यहाँ पे फोर ऑक्टेट पहले बनाता हूं ठीक है ये आपका एट ये ब्लैक एट 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 ये हो गया एट एट का होता है फोर ऑक्टेट होते हैं इसमें ये हमारा होता है 8 बिट का राइट और यहाँ पे जो हम लोग 8 बिट का ये होता है चार हो 8 हो गया तो 8 का 32 32 बिट के होते हैं ये yes, ऐसे होते हैं इसमें जो हमारा अह uh, जो सबनेट मास्क होता है वो स्टार्टिंग होता है 0 टू 255 ओके आईपी वर्जन आईपी वर्जन 4 में अह uh, ये होते हैं पांच क्लास होते हैं इसके ठीक है तो 5 क्लास ऑफ डिवाइडेड आईपीओन फोर कौन कौन से मेरे फाइव प्लस होते हैं तो क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एंड क्लास ई ओके ये मेरे क्लास हैं रेंज के राइट right? तो इस क्लास में आ, हमारा कि इसके रेंज क्या होते हैं पहले हम इसका रेंज पढ़ेंगे कि क्लास ए बी सी डी के रेंज क्या होते हैं उसके बाद से हम इसका सबनेटिंग पढ़ेंगे इसका फुल रेंज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाता है क्लास तो क्लास मेरा जो स्टार्टिंग होता है वो होता है जो क्लास ए है उसका जो रेंज होता है वो होता है जीरो टू वन ट्वेंटी सिक्स क्लास बी जो होता है इसका जो रेंज होता है वो जीरो जीरो टू सॉरी वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन वन नाइन्टी वन क्लास सी जो होता है इसका रेंज होता है वन नाइनटी टू 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 थ्री क्लास डी इसका रेंज होता है टू टू फोर टू टू थ्री नाइन ओके एंड क्लास ई जो होता है ये स्टार्ट होता है टू फोर्टी टू टू फाइव फाइव राइट अब इसमें हम मेरा जो क्या होता है जैसे कि ये मेरे रेंज है ओके क्लास ए का रेंज होता है जीरो टू छब्बीस ये ऐसे रेंज होते हैं इसके इसमें आईपी एड्रेसिंग होती है ठीक है आईपी एड्रेसिंग होती है अब इसमें क्या है कि मेरा जो ये है ये हम इसमें जो है ये हमारे जो होते हैं आई जो होते हैं इस रेंज में होते हैं प्राइवेट प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी राइट बाकी ये जो होते हैं तीन ये डी और ई ये हमारे रिजर्व होते हैं ये रिजर्व होते हैं ये रिजर्व होते हैं किसके लिए मल्टी कास्टिंग के लिए ठीक है मल्टी कास्टिंग के लिए ये रिजर्व होते हैं और ये होता है ये हमारा रिसर्च पर्पज ये रिसर्च पर्पज के लिए होता है ओके okay? तो अगर रेंज जो आपसे कोई पूछता है तो आप ये रेंज बता सकते हो अब इसमें एक चीज आप ये देखोगे क्लास ए और बी में एक जो है ऑक्टेड वो मिसिंग है कौन सा यहाँ पे वन ट्वेंटी सेवन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट यहां से वन से मान लो ये पूरा टू लेके आपका कहाँ तक होता है 255 फाइव तक ये जो है मेरा है सबनेट ये जो मेरा है ये मिसिंग है तो ये हमारे किसके लिए होता है ये हमारा <coughs> ये जो हमारा होता है ये हर एक आ, जैसे कि सिस्टम में एक आ, आईपीज होती है जिसके लिए होता है इसमें आप क्या करते हैं ये एज अ मशीन जैसे कि सर्वर्स होते हैं उन सबके लिए मतलब जो सिस्टम में जो हर लैपटॉप आप एक, एक सर्वर का से यूज कर सकते हो तो हाँ तो ये जो होते हैं ये आप एज अ लूप बैक होता है हमारा ठीक है लूप बैक हम इसको कभी कभी यूज करते हैं हाँ तो उसमें ये होता है तो 127 ये इन सब के लिए रिजर्व होता है या हमारे सिस्टम सर्वर्स होते हैं ठीक है वहां भी आप सिस्टम पे कोई भी आप रिसर्च जो भी आप करते हैं आपने सिस्टम पे कुछ भी कर सकते हैं तो एक वहां भी ये यूज होता है राइट ये होता है अब इसमें प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी है ये? हाँ प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में उसका रेंज आ, उसको बताऊंगा अभी आपको कि प्राइवेट आईपी आईपी पब्लिक की आ, रेंज जो होती है वो कहाँ कहा, कैसे होती है तो वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है अभी हम इसमें ये देखेंगे क्लास ए में हम... ये जो है आप पब्लिक जो आईपी है ये पब्लिक आईपी ओवर द इंटरनेट होता है ठीक है ओवर द इंटरनेट होता है राइट यह हम इंटरनेट में, में पब्लिक आईपी यूज करते हैं तो पब्लिक आईपी के के जैसे कि मान लो कि क्लास ए की है तो क्लास ए का जो है क्लास ए में जो टेन की रेंज होती है ना टेन की रेंज होती है यह हमारा क्या है यह हमारा प्राइवेट आईपी है ओके फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास सी में वन नाइनटी टू की जो रेंज होती है ओके वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जो रेंज होती है यह हमारा आ जाता है किसमें प्राइवेट में ओके देन क्लास बी में भी एक रेंज होती है वन सेवेंटी टू डॉट वन सिक्सटी वन सिक्सटी एट डॉट ऐसे ऐसा होता है ये हमारा प्राइवेट आई पी है के अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो हमारे पब्लिक आई पी होते हैं जैसे मान लो कि आपका थर्टी समथिंग फोर्टी या आपका टू हंड्रेड स्टार्ट हो ये सब हमारे क्या है ये हमारे पब्लिक पब्लिक आई पी है और पब्लिक आई पी कहाँ पर राउटर होते हैं ओवर द इंटरनेट ओके okay? यहाँ पर आउट होते हैं ठीक है देन अब हमारा आता है क्या क्लास ए क्लास ए में हमारा इसमें क्या ना कि होस्ट uh, और नेटवर्क सपोज मेरा ये क्लास ए है क्लास क्लास ए ए है तो रेंज जो होती है वो मेरा होता है तो ये जो मेरा है क्लास ए का जो सबनेट होता है वो कितने का होता है एट होता है राइट right? इसमें सबनेट मास्क जो होते हैं क्लास ए की जो होती है वो होती है एट क्लास बी की होती है सिक्सटीन ओके okay. इसका होता है ट्वेंटी फोर ऐसे ये रेंज होते हैं इसके ठीक है तो अब इसमें इसको तो प्रीफिक्स भी बोलते हैं ना हाँ प्रीफिक्स 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 उसको बोलते हैं जब हमारे जो आईपी जैसे मान लो कि आपके कोई ऐसे वन नाइनटी वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट वन ये जो है यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो स्लैश ट्वेंटी या ये क्लासफुल आईपी हो गया ठीक है क्लासफुल आईपी लगा दो तो इन सब जो मेरे होते हैं सारे मेरे या तो आप इसको सबमिट बोल सकते हो ठीक है प्रिफिक्स मेरी आईपी होती है तो प्रिफिक्स भी आपका ओके तो, तो, तो यहाँ पे क्लास तो इसमें आपका क्या होगा क्लास इसमें क्लास ए में आपका क्या होगा एक जो होगा वो मेरा नेटवर्क होगा ठीक है एक मेरा नेटवर्क होगा और इसमें क्या होगा होस्ट होंगे कितने तीन ये कैसे फाइंड करेंगे हम ये जैसे कि मान लो मेरा जो इसमें रूल है जैसे कि क्लास ए क्लास ए में कितने एट मेरे सबमिट होते हैं तो एट ऑक्टर जो होंगे ना वो मेरा क्या होगा फर्स्ट ऑक्टर होगा वो पूरा फिक्स होगा राइट वो पूरा फिक्स होगा अब इसमें हम सबमिट मार्क्स का आएंगे तो मेरे कैसे आता है सबमिट मार्क्स मेरा होता है जीरो टू टू फाइव फाइव अब इसको मैं सबमिट मार्क लिखूंगा तो तो डिफॉल्ट सबमिट मास्क अगर इसका मेरा लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसका टू फाइव फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ओके तो ये तो इसे हम यहाँ पे हमारा ये नेटवर्क हो जाएगा ये मेरा होस्ट ऐसे ये मेरा होस्ट ये मेरा होस्ट ओके अब इसको मेरे को उसमें लिखना होगा बाइनरी नंबर में लिखना होगा तो ये पूरा फुल ऑक्टेट है मेरा तो फुल ऑक्टेट है तो ये कितने बिट का होता है एट बिट का होता है ना तो ये मेरा इसमें आ जाएगा इसको अगर मेरे को बाइनरी में लिखना होगा ठीक तो है तो ये पूरा फुल ऑक्टेट है तो वन 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 एट हो गया फिर मेरा ये डॉट फिर जीरो 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 फिर ये ऐसे होगा ओके ठीक, ये क्लास ए का है इसके जो रूल्स रूल्स होते हैं तो जो इस ये रूल्स कैसे बनते हैं इसका होता है नंबर ऑफ वंस ठीक है अब जैसे यहां पे मेरे को अगर सबनेटिंग निकालना होगा ना इसका सबमिटिंग निकालना होगा तो यहाँ पे जैसे रूल होते हैं जैसे कि मान लो मेरे पास मैं यूज कर रहा हूँ क्लास ए का अभी फिलहाल ठीक है तो क्लास ए में मैंने कोई आई ले ली नॉर्मल सी समथिंग टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट ट्वेंटी स्लैश एट ले लिया ठीक है ये तो अब इसकी मेरे को सबमिट ही निकालनी है तो इसमें सबमिट कैसे निकलेगा पहले हम देखेंगे स्लैश एट तो स्लैश जो एट होता है ना तो स्लैश एट में पहले हम इसका लिखेंगे डिफॉल्ट सबमिट मास्क डिफॉल्ट सबमिट मास्क डिफॉल्ट सबमिट मास्क क्या होगा मेरा टू फाइव फाइव डॉट जीरो से बाइनरी में हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जीरो 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 ऐसा करके बाइनरी में लिखेंगे इसका जो रूल होगा ना पहला रूल सबमिट मास्क निकालने के लिए तो नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ नेटवर्क इसको हम क्या बोलेंगे नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क टू पावर एन ओके सेकंड मेरा रूल होता है यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट टू तो पावर एन माइनस टू तो ये जो मेरे है ना ये ये मेरे क्या है ये होस्ट है।, है ये होस्ट है अब यहीं पे यहीं पे आपने क्या ले लिया सपोज क्लास क्लास बी ले लिया तो क्लास बी में 172 समथिंग कोई आईपी है ओके अंडर जीरो स्लासटीन है तो स्लैसिक्सटीन है तो इसमें कितने हैं? में मेरे कितने है? ये एट होते हैं ना ऑक्टेट तो एट ऑक्टेट एट ऑक्टेट ये फुल हो गया उसके बाद से कितना बचाइए ये? ये ऐसे ये जीरो जीरो हुआ ना जीरो जीरो तो ये एट ऑक्टेट फुल हो गया तो ये क्या मेरा हो गया नेटवर्क ये भी नेटवर्क ये क्या है मेरे होस्ट तो इसको अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं पहले इसका सबनेटिंग कैसे करूंगा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा मेरा इसका तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा एट ऑक्टेट फुल है मेरा तो टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो डॉट ये हो गया अब इसको बाइनरी में मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसका बाइनरी में वन 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 पूरा ये आ जाएगा एट एट ऑक्टेट है तो एट ऑक्टेट मेरे को फुल करना पड़ेगा फिर ये एट ऑक्टेट है ऐसे फिर जीरो 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 डॉट जीरो 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 अब इसका मेरे को अगर फॉर्मूला निकालना होगा तो मैं अब मान लो कि मेरे पास ये जो आईपी है स्लैश सिक्सटीन है तो स्लैश सिक्सटीन में मेरा क्या हो जाएगा जब मैं इसका फॉर्मूले के से रूल निकालूंगा ना तो मेरा इसमें क्या होगा फर्स्ट नंबर ऑफ नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क टू पावर एन टू पावर एन मेरा कितना हो जाएगा आठ और आठ सोलह तो टू पावर एन सॉरी आठ आठ सोलह सिक्सटीन ओके टू पावर एन जो होगा इसक्वल टू इतना जो भी वैल्यू आएगा इसका उतना मेरा क्या होगा नेटवर्क हो जाएगा और सेकेंड इसका होता है नंबर ऑफ होस्ट स्क्ल टू टू पावर एन माइनस टू तो टू पावर सिक्सटीन सिक्सटीन ये भी हो जाएगा ये कितने हैं एट और एट तो नंबर ऑफ वंस होता है यहाँ पे वन वन तो वन की जितनी भी होगी ना नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरो होस्ट तो जितना भी इसका वैल्यू आएगा उतना मेरा क्या हो जाएगा होस्ट हो जाएगा अब इसमें दो चीजें जैसे कि आप ऐसे बनती है ये ऐसे आईपी एड्रेसिंग होगी हो होगी तो इसमें मेरा क्या होगा एक तो नेटवर्क आईडी होगा ओके और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी होगा ओके ब्रॉडकास्ट आईपी होगा तो ये जितनी भी ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू आएगी आईपी में वो एज हम क्या यूज करेंगे होस्ट ये होस्ट हो गया और जो ये है तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा नेटवर्क ओके सेम ऐसे ही अगर आपका क्लास सी है ओके क्लास सी तो क्लास सी की आईपी 192 से स्टार्ट होती है 168 ऐसे मान लो 1.0/24 तो स्लैश 24 है तो स्लैश 24 में कितने ऑक्टेट है 8 ऑक्टेट तो 8 ऑक्टेट एंड 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 अब बाकी बचेगा होस्ट तो ये 8 ऑक्टेट जो है ये फुल हुआ है पूरा और ये जीरो हो रहा है जीरो तो इसका सबमिटिंग मेरे को करना होगा तो इसका पहले हम लिखेंगे डिफॉल्ट सबमिट मास्क तो डिफॉल्ट सबमिट मास्क में नंबर ऑफ जो एट ऑक्टेट है तो मुझे एट ऑक्टेट यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा राइट तो कितने हो गए आठ 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 ये हो गए ट्वेंटी फोर ठीक है तो नेटवर्क में हो जाएगा ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी फोर और होस्ट जो है ये होस्ट है तो होस्ट में कितने हैं जीरो 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 का कितना एट ऑक्टेट है तो ये हो जाएगा एट एट अब यहाँ पे मेरे को नेटवर्क का फार्मूला लिखनी है तो मैं कैसे लूंगा टू पावर ट्वेंटी फोर ये इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेटवर्क की और होस्ट का टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू ओके तो ये मेरा ये क्या होगा मेरा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा होस्ट हो जाएगा राइट right? और जब भी ये होगा ना तो मेरे को ये जो इस वैल्यू को जो हम कह, इसको जो कहते हैं जो सबमिटिंग जो होती होती है वो सी आई डी आर सी आई डी आर का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ओके और जैसा ये है स्लैश ट्वेंटी फोर स्लैश सिक्सटीन स्लैश सिक्सटीन स्लैश एट इन सबको हम क्या बोलते हैं सी आई डी आर क्लासलेस इंटर और इसी से हमारा क्या होता है सब मीटिंग निकलती है आईपी जो भी निकलते हैं ठीक है ठेके? यहां तक किसी को कोई डाउट हेलो यस सर कोई ठीक है तो इसको तो मैंने बता देता है, ये तो मल्टी कास्टिंग होता है ठीक है ये फिक्स होता है ये रिसर्च पर्पज के लिए होता है तो जो हमारे क्लास ए बी और सी ये तीन जो क्लास हैं इसकी रेंज है ये हम यूज करते हैं ठीक है राइट अब एक चीज इसमें और है जैसे कि